दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के तरफ से, जहां पे न्यू रोड प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कुछ एग्जिस्टिंग हाईवेज को वाइडनिंग करना भी शामिल है। भागलपुर कहलगांव जो बिहार में है, पंजाब में न्यू 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे अमृतसर और भटिंडा के बीच में न्यू जलंधर बाईपास भी शामिल है। दोस्तों अगली अपडेट आ इंडियन रेलवे से, जहां पे कटरा बनिहाल रेल प्रोजेक्ट्स जो कश्मीर से कनेक्ट करने वाला है, उसे 2 से 3 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों यस्टरडे चेनाब ब्रिज का आर्च को कम्प्लीट किया गया और अब आने वाले दिनों में उसके पुल बनने का काम भी चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है इंडियन रेलवे से, जहां पे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन 4 और 5 अप्रैल को ट्रेन रिकॉर्ड 100% पंक्चुअल अराइव किया। आने वाले दिनों में हर जोन अपना पंक्चुअल टाइम में अराइव करेगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से, जहाँ पे ऑफिशियल ने ये कहा कि WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद कंटेनर कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेन का एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगा, जो अभी प्रेजेंट 25 किलोमीटर पर आवर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ से, जहाँ पे विश्व समुद्र होल्डिंग्स जो कृष्णापट्टनम पोर्ट्स का पार्ट है, उसका 25% स्टेक 2,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब कृष्णापट्टनम का 100% स्टेक अडानी पोर्ट्स के पास है। दोस्तों ये कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।